वेलकम टू उज्जैन गाइस। अब अभी इस समय ट्रेन आई है, मैं रात में वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि यार ट्रेन में जनरल में जानते हो क्या ही सीन था, मैं लोगों को दिखा दूंगा कितना क्या था। तो मैं सुबह में सर पहुँच के पैर शूट करता हूँ, वैसे भी यहाँ कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं अब पहुँच गया हूँ उज्जैन, अब देखते हैं चलते हैं मंदिर अंदर साइड घूमते हैं। मेरी ट्रेन अब 1:35 की है यहाँ से प्रयागराज के लिए, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है। डाला तो मंदिर पास में, तो ऑटो ऑटो लेने कोई दिक्कत नहीं है, 1.3 किलोमीटर बता रहा है। चलते हैं पैदल वॉक करते हैं और घूमते घूमते और लेते हैं थोड़ा मज़ा। उज्जैन सिटी का अभी फिलहाल धूप लगने लग गई यार, 8 बजे अभी तक ट्रेन में था तो समझ में नहीं आ रहा था, बट अब धूप लगने लग गई यार, गर्मी भी लगने लग गई है। तो चलिए मंदिर मंदिर चलते हैं और मैंने काफ़ी दुकान सुनते हैं, स्टेशन एरिया है तो है यहाँ पे, तो चलते हैं मंदिर पहले। वो क्या मंदिर साइड तो यही इधर ही है कहीं पर, हमें शायद बैग वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है तो बैग वगैरह रखना पड़ेगा, पता नहीं। अभी यहाँ पे नहाने वहाने का क्या सिस्टम है पता नहीं, वो भी देखते हैं क्योंकि यार कामगट का ये जो टीका उका लगा दिया इन्होंने जबरदस्ती, अभी नहाया हुआ है तो हम जाते हैं स्नान स्नान करते हैं फिर वापस आते हैं और फिर वीडियो अच्छे से शूट करते हैं इधर का, वैसे काफ़ी अच्छी प्लेस है शूट करने लायक। अच्छा हमको सिखा रहा है, यहाँ पीछे कोई विक्रमादित्य का टीला वगैरह देख रहे हैं वो भी दिखाते हैं उनको, ये देखिए ये मंदिर यहाँ पे भी है, ये उज्जैन महाकाल की नगरी है, यहाँ पे मंदिर है तो बहुत सारे। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब देखते हैं कहाँ पे, और फेस कैम वीडियो ठीक से बन नहीं रहा तो मैं बैक कैम वैसे शूट करता हूँ वीडियो। तो चलिए फिर पहले चलते हैं जहाँ पर राम घाट है, जहाँ पर स्नान स्नान करते हैं। दो घाट है, एक मैंने कोई था पढ़ा नहीं मैंने, ये मंदिर हरिसिद्धि माँ का मंदिर, ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर लग रहा है मुझे। पहले हो के आते हैं फिर एक एक करके सारे मंदिर जितना घूम सकते हैं घूमते हैं। तो चले फिर चलते हैं जाके, अरे नहीं बाबा अभी रुक जाओ, राउंड लगा चुके हैं उधर से घूमते हुए पूरा इधर से आ रहे हैं। अगर आप लोगों को आना है कभी नहाने वाने जाना है तो रामगढ़ है, अभी मैं पहले जाऊँ तो फिर आपको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ क्योंकि मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि आगे है क्या। तो चले देखते हैं और ये रास्ता आगे, वैसे बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं कि किधर से कहाँ पर काम घाट ना, यहाँ पर नहाने वाने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है और यहाँ पे मुंडन वगैरह करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और जो भी है इधर पे कुछ मंदिरें हैं, ये देखिए त्रिवेण शिप्रा, ये शिप्रा नदी है जो कि उज्जैन से होकर गुजरती है और ये पूरा जो मंदिर एरिया ये शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है उज्जैन। तो लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, भगवान वंदिता से प्राप्त। Hold me close till I get up, time is barely on our side. हर हर महादेव। तो फिर जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं नहाता हूँ और फिर आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मंदिर के सारे, अभी छोटे छोटे मंदिर देख लो कि सारे हैं। ये कितना बढ़िया लग रहा है यार, अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग यार, मुझे तो काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं मुझे ये मतलब भक्ति प्लेसेस जो भी अपने सनातन धर्म से रिलेटेड जितने मंदिर प्लेसेस जितने भी हैं मैं सच बताता हूँ मुझे दिल से खुशी मिलती है वहाँ जाने में। और आप लोग महाकाल के भक्त हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट। चेतावनी, नदी में पानी गहरा है, कृपया किनारे पर ही स्नान करें। हाँ वो तो सारी नदियों का होता है, और वार्निंग दैट इज़ गुड। यहाँ पे से जो है लगता रेस्क्यू टीम का है, और ये मंदिर क्या किला टाइम का है, मस्त एकदम बढ़िया भयानक।
यहाँ बैरिकेटर लगा हुआ है, कुछ आगे नहीं जाना नहाने के लिए, वहीं तक आ सकते हो आप नहाने, और हमें भी वहीं तक नहाना है, निकलना है। ये पूरा यहाँ से राउंड अप कर सकते हो, यहाँ पे पुल बाई पुल बने हुए हैं, इसकी दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये मस्जिद है क्या?